चलें हम इस पे बनाते हैं हम लोग एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले, किस तरह से हम इसके ऊपर इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इंसर्ट में जाके शेप पर क्लिक करेंगे और कोई किस तरह का शेप ले लेते हैं जो ऐसा बना हुआ है। इसके येलो पॉइंट को पकड़ के हम यहाँ से इसको गोल करना चाह रहे थे पूरा, तो ये पूरा गोल नहीं हो पा रहा। तो कोई ऐसा लें जिसमें दोनों साइड इसकी गोल हो जाए। देखें जरा, ओके ये वाला शेप भी नहीं है। ये वाला हुआ आई थिंक। अच्छा ये वाला शेप ठीक है, ये वाला जो गोल हो रहा है दोनों साइड से, तो इन दोनों शेप्स को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब ये शेप तो हमने बना लिया, इसकी लेंथ देख लें, इसकी विड्थ देख लें। आई थिंक सो पहले रूलर एक्टिवेट कर लेते हैं। अब रूलर में आ रहा है डेटा सेंटीमीटर्स में, इंच में नहीं आ रहा, मुझे सेंटीमीटर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से ऑप्शंस में जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके प्रूफिंग में सेव लैंग्वेज, एडवांस, एक ऑप्शन आ रहा होता है जिसमें हम इसको सेंटीमीटर में कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें मिल ले रहा मेजरमेंट्स होता है इसको इंच सेंटीमीटर में कर सकते हैं। चलें इसको रहने देते हैं फिलहाल। अब इसको यहां से रोटेट कर देते हैं इस तरह से, इसको यहां रख लेते हैं और इसके साथ थोड़ा सा काम कर लेते हैं। एक सर्किल ले लेते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा एक आइडिया कर रहा हूँ कि ये चार जब मैं रखूँगा यहाँ पे तो ये किस तरह से नज़र आएंगे। थोड़ा सा अरेंजमेंट का फ़र्क आ रहा है। हो जाएंगे एडजस्ट, ठीक है ना, तो बाद में दिक्कत ना हो ना। उसके बाद एक सर्किल बना रहे हैं इसके अंदर। सर्किल देखें इसके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा अब उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं जिसमें इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाएंगी। टेक्स्ट बॉक्स भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड होंगे, ये मसला होगा अगर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक नहीं हुआ तो वो गायब हो जाएगा। तो सिलेक्ट पे जाके सिलेक्शन पेन खोल लेते, तो ओवल है ये टेक्स्ट बॉक्स गायब हो गया। दोबारा ले टेक्स्ट बॉक्स और पहले कुछ इसमें टाइप कर ले। एडिट टेक्स्ट किया, ऐसे ही कुछ सिंपल सा टाइप कर दिया मैंने इसके लिए, बल्कि कुछ ऐसे ही दिख देता हूं मैं।
और साथ में हमने जो है एक वर्ड ऑर्डर लिया। ये इसका मॉडल है, हमने इस पर लिख दिया। और इसके बाद हमने क्या किया कि ये इस पे एक इमेज लगानी है, ठीक है? ओके, अब इन सबको हमें मिला के क्या कर लेना है, ग्रुप कर लेना है। कोई और भी काम अगर इस पे करना है तो इजीली कर सकते हैं, ग्रुप बन जाएगी। अब इसके ऊपर कलर शेड्स वगैरह लगाने हैं। हुआ ये कि कलर्स लगाने पर इसका जो ये वाला इमेज था इसमें भी कलर आ गया। ठीक है, और आउटलाइन इनकी खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपने एक बना लिया इसका लेआउट। अब इसको उठा के आपने क्लिक किया यहाँ पे, इसका कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट ले लिया, शिफ्ट के साथ होल्ड करके या विदाउट शिफ्ट, ये इस तरह से प्लेस कर दिया। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो पूछ ले इसमें, और आ रही है तो ठीक है फिर आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करके अब हमने इनके अंदर अनग्रुप करते जाना है। डेटा तो वैसे ही एडिट हो जाएगा, बस पिक्चर के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत करनी पड़ेगी। ये भी तरीका हो सकता है कि यहाँ पे ओवल 17 में डायरेक्टली आप क्लिक करके और यहाँ से शेप फॉर्मेट में जाके इसको फिर अनग्रुप भी नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली यहाँ पे कोई एक पिक्चर लगा दे। ठीक है, इसका ग्रुप का ओवल 17:22 ये है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके स्पेसिफिकेशंस को हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, फिर इसको चेंज करते, सेव कर देते हैं इसको। अब क्या करना है, इन सब के नाम रख लें, जैसे इस ग्रुप का नाम रख लें, इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका रख लेते हैं बी, और इसका रख लेते हैं सी, और इसका रख लेते हैं डी। ठीक है, क्लियर हो गई? अब ये पकड़ा हमने चारों को, आप एरो दबाया, बस इतना बाहर रखना है कि टेक्स्ट इसके डिस्प्ले ना हो, यूजर को इसके
टेक्स्ट डिस्प्ले ना हो, मतलब अगर आप स्लाइड शो पे जाएगा, सही है ना, टेक्स्ट तो डिस्प्ले नहीं हो रहा ना। ओके ठीक, यहाँ पर आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एनिमेशन पेन खोलने में इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक इफेक्ट लेंगे लाइन डाउन का। अच्छा अब ये इफेक्ट तो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन इसको कितना नीचे लेकर आना है ये थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है भाई। कितना लाना है कि इसकी स्पेसिफिकेशन सारी नजर आए, यानी कि यहाँ तक इसको नीचे लेकर आना है। तो इतना यहाँ तक तो आ रहा है, ये मैक्सिमम हम इसको थोड़ा सा हैक तो और नीचे लेकर आते हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं ला सकते मेरा ख्याल है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और देखते परफेक्ट, सही है ना, सही आ गया ना, देखिए प्रीव्यू देखें बिल्कुल सही आया। ओके आ गया ना, यूजर देखेगा तो बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। ओके अब क्या करना है, दोबारा क्लिक करना है, एड एनिमेशन में जाना है, और यहाँ पे जाके इसको लाइंस पे दोबारा क्लिक करना है। और अब इस दफा आपने क्या करना है, डायरेक्शन को क्या रखना है, अप रखना है। अच्छा अब आप तो कर दिया, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्तहान है आपका, ये देखें समझने की कोशिश करें, यहाँ से आप यहाँ लाए और ये कहाँ से ऊपर, ये नीचे आया यहाँ तक और ऊपर जा रहा है वहां तक। अब इसके अंदर थोड़ा सा समझना है कि ये वाला एनिमेशन इफेक्ट पहला वाला नीचे ला रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है, नीचे ला रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो जो नीचे ला रहा है उसका जो रेड पॉइंट है वो यहाँ है, यहीं से ऊपर जाना चाहिए ना, और जो दूसरा वाला ऊपर ले जा रहा है उसका ग्रीन पॉइंट यहाँ है, ऊपर तो वो सही जा रहा है, तो इसके ग्रीन पॉइंट को पकड़ के उसके रेड पॉइंट पर लेकर आना है। ग्रीन पॉइंट को पकड़ के ऐसे करके आई, बात समझ में नहीं आई भाई, देखो ना ये आया और ये चला गया। अच्छा लेकर कहां तक जाना है, लेकर उसको वहां तक जाना है जहां तक प्रोडक्ट उसका डिस्प्ले हो, अभी ज्यादा ऊपर जा रहा है मेरा ख्याल है। देखिए जरा एक मिनट स्लाइड शो पे देखिए, क्लिक किया यहां तक आया, सही है, वापस कहां तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक नहीं जाए वहीं तक जाए जहां तक प्रोडक्ट आके रुक जाए। तो यहीं पर कारीगरी है आपकी बस। अब इसका तो ग्रीन पॉइंट तो यहाँ लिया, इसका रेड पॉइंट कहाँ पे लाना है, इसके ग्रीन पॉइंट पे लाना है। सेट हो गया, परफेक्ट हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आपने और मजे का काम करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है एक तो, और एनिमेशन पेंटर लेना है, इस पे लगा देना है, ठीक है, और इसका एनिमेशन पेंटर लेना है, इस पे लगा देना है, ठीक है, और इसका एनिमेशन पेंटर लेना है, इस पे लगा देना है, सही है। अच्छा देखिए अब क्या बना, स्लाइड शो करें, ये आ गए स्लाइड शो पर। लेकिन यूजर कंट्रोल नहीं कर पाएगा इसको, दोबारा नहीं चलेगा ये। यूजर कंट्रोल के काबिल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, देखो इस पे क्लिक करना है, ए क्या करना है, ट्रिगर ऑन क्लिक ऑफ, ए क्लिक ट्रिगर ऑन क्लिक ऑफ, बी ट्रिगर ऑन क्लिक ऑफ, ट्रिगर ऑन क्लिक ऑफ। अच्छा अब क्या होगा, सही है, अब यूजर क्लिक कर पा रहा है,
आ रही बात समझ में? अब यूजर जितनी बार चाहे क्लिक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो यूजर एक ही क्लिक करे, वो आए और फिर थोड़ी देर बाद वापस चला जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जो ये सेकंड इफेक्ट है ये है ऑन क्लिक पे, इसको क्या करना पड़ेगा आपको? आफ्टर प्रीवियस, ओके। अब मैं कह रहा हूं जब यूजर क्लिक करे तो उसको क्लिक की आवाज भी सुनाई दे, तो उसका जो पहला क्लिक है उस पर क्लिक करना है आपने, और यहां पर देखिए साउंड इफेक्ट नहीं आ रहे, डबल क्लिक करें इसके ऊपर और यहां पे साउंड इफेक्ट आ रहे हैं, सपोज टू बी क्लिक वाला साउंड देते हैं हम इसको, क्लिक, ओके। क्लियर? अब देखिए स्लाइड शो पर,